आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज बताएंगे दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में। दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया और कब से कब तक किया, इसी वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी दूंगा। आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलते हैं, और ये बात है कि दिल्ली सल्तनत के वंश हैं जो, उनके बारे में शानदार और मजेदार ट्रिक लेकर आए हूँ। उससे पहले साथ ये एक बात बताता हूँ, हमारे कुछ कुछ भाई हैं जो वीडियो को तो देखते हैं परंतु वीडियो को न तो शेयर करते हैं न लाइक करते हैं, और तो और चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो साथियों थोड़ा सा दुख हमें भी होता है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप साथियों इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा सहयोग करते चलें। तो देखिए बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं 1206 से 1526 तक शासन करते हैं। तो कौन कौन से वंश होंगे, तो ये कुल वंश होंगे साथियों पांच। कितने वंश होंगे, पांच वंश होंगे, और इनकी शानदार ट्रिक है, एक सेकंड में आप याद कर लोगे कौन कौन से वंश हैं। देखिए ट्रिक होगी गुड़ खा तसला में। क्या होगी ट्रिक, गुड़ खा तसला में। तो साथियों आपको ध्यान रहेगा कि दिल्ली सल्तनत के जो पांच वंश हैं वो एक सेकंड में आपको याद हो गए। तो देखें गू से हो जाएगा साथियों गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था उसका नाम था गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा खासी हो जाएगा मेरे साथियों खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। आगे तासी हो जाएगा तुगलक वंश। और साथियों सैसी हो जाएगा सैयद वंश। और साथियों लासी हो जाएगा लोदी वंश। तो ये साथियों दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पांच वंश थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, दबाकर शेयर करें, लाइक करें। आप दबाकर शेयर और लाइक नहीं करेंगे तो आपको अपनी जीएफ की सौगंध है,